अब जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की तरफ जो शिफ्ट होना चाहता है इसके लिए पैसे थोड़े ज्यादा खर्च करने होंगे, क्योंकि गाइस सब जगह पर जो भी गाड़ी के प्राइस है वो बढ़ चुके हैं। और हाँ, आपको रिफंड भी अगर लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। तो उस हिसाब से ओला ने ये इसका प्लानिंग किया है, जैसे कि S1 का थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया गया है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चैनल ब्लॉग। तो दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने ओला S1 एयर के टोटल 3 वेरिएंट इंडियन मार्केट में लॉन्च किए थे और अभी के टाइम पे ओला कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल को ही सेल करेगी इंडिया में, ओला S1 एयर। आखिर ओला कंपनी के लाइनअप में इतना बड़ा चेंज क्यों ला रही है और इसका क्या कारण हो सकता है, आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं। तो सबसे पहले 9 फरवरी 2023 को ओला ने अनाउंसमेंट की थी गाइस कि हम ओला S1 एयर का एक ही मॉडल नहीं, टोटल 3 मॉडल लॉन्च करेंगे और इसे सेल करेंगे। जब उस समय इंडिया में FAME II जो सब्सिडी थी वो 40% थी, इस कारण वो जो प्राइस वेरिएशन था वो अच्छा खासा देखने मिल रहा था। इस कारण से कंपनी ने तीनों वेरिएंट जो अनाउंस किए थे, जैसे कि हमें देखने मिले थे 2 kWh, 3 kWh और 4 kWh, और ये वही अनाउंसमेंट था जहां पे ओला कंपनी ने अपने बाइक के बारे में भी हमें सब कुछ बताया था। जो ओला S1 का 2 kWh का बैटरी पैक वाला मॉडल है उसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अभी जो पूरा FAME II का कहानी है गाइस वो पूरा चेंज हो चुका है। ऐसे में जो ओला कंपनी के 3 वेरिएंट का अनाउंसमेंट था उसके जो प्राइस वेरिएशन है उसमें काफी डिफरेंस आ रहा था, जिस वजह से ओला S1 और ओला S1 प्रो की जो सेल है इस पे काफी इंपैक्ट पड़ता था और जो कि कंपनी को पता था। तो ऐसे में कंपनी ने अपने मॉडल्स को ही इसमें से हटा दिया था, जिसमें से पहला मॉडल है 2 kWh, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला भी था, जो आपको मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे चुका हूँ उसी के साथ। और जो दूसरा मॉडल है वो है 4 kWh। तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको 3 kWh बैटरी पैक ही देखने मिलेगा गाइस, जिसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जबकि 9 फरवरी 2023 में इसका जब अनाउंसमेंट कंपनी ने किया था उस टाइम 3 kWh बैटरी पैक जो मॉडल है ओला S1 एयर का, उसका प्राइस था 1 lakh rupees, जो इंक्रीज होकर अब 1,10,000 हो चुका है। और इससे थोड़ा सा प्राइस अगर बढ़ाओगे तो ओला S1 ही मिल जाएगा, और ये जो है मैं एक शोरूम की बात कर रहा हूँ। और थोड़ा सा जो प्राइस है ये अगर बढ़ाओगे तो आपको ओला S1 प्रो भी मिल जाएगा, यानी कि 1 lakh के नीचे अब कोई भी ओला इलेक्ट्रिक की स्कूटर नहीं बची। जो लोग भी बोल रहे हैं ये अभी भी सस्ता है, ऐसा नहीं है। ओला की लाइनअप में अगर देखें तो अब स्कूटर के जो रेट्स है वो काफी बढ़ गए। तो इसके रिगार्डिंग जिन लोगों ने स्कूटर बुक किया है, जो पहले बुक किया था और जिन्होंने बाद में बुक किया है, उन सबको एक मैसेज आया है। और ये जो मैसेज है आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, ये जो मैसेज आया हुआ है गाइस, इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि पहले उसके अंदर जो प्राइस था वो 84,999 था, अब एक ही मॉडल सेल हो रहा है तो और उसका जो प्राइस है वो 1,10,000 हो चुका है। अगर आपको ये कंटिन्यू करना है तो आपको पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा 1,10,000, जो मैंने आपको बताया। और हाँ, आपको रिफंड भी अगर लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, दोनों चीज़ों इन्होंने बता दी है। उसके अलावा अगर आप कंटिन्यू करते हो तो 1,10,000 की जो इसमें एक एक्सटेंडेड वारंटी हमें मिलती है वो आपको फ्री मिल जाएगी। अगर आप स्कूटर खरीदते हो तो आपको बस यहाँ पे जो एक्सटेंडेड वारंटी है इसका चार्ज जो आता है हमारा 6,500 के करीब, ये आपको फ्री हो जाएगा। लेकिन 1,10,000 में BLDC मोटर खरीदना कितनी बड़ी गलत बात है गाइस, और मुझे नहीं लगता कि कौन खरीदेगा। और अकेले इसी कंपनी की ये दिक्कत नहीं है, एक्चुअल एथर में भी ऐसे ही थोड़े से इशू चल रहे हैं, जैसे कि सेम बजाज के साथ आप देख सकते हो, सेम विदा जो है हमारी आती है, उसके बाद में TVS की जो हमारी IQ आती है, मतलब सब जगह पे यही कहानी चल रही है बिकॉज ऑफ FAME II सब्सिडी। तो इस वजह से गाइस जो कंपनी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, इस वजह से जो कंपनी के लोचे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से पर्टिकुलर कस्टमर के लिए पर्टिकुलर गाड़ी बनाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो उस हिसाब से ओला ने ये इसका प्लानिंग किया है, जैसे कि S1 का थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया गया है, उसके बाद में ओला S1 प्रो का थोड़ा सा प्राइस बढ़ चुका है और ओला S1 एयर का तो बढ़ ही चुका है, और इसके जो दो वेरिएंट है वो डिसकंटिन्यू कर चुके हैं। डिसकंटिन्यू मीन्स इसके जो दो बैटरी पैक है वो चले गए, तो वो इनडायरेक्टली वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। ऐसे तो आपको हर जगह की कहानी देखने मिलेगी, क्योंकि हर कंपनी का यही हाल है। अब जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की तरफ जो शिफ्ट होना चाहता है इसके लिए पैसे थोड़े ज्यादा खर्च करने होंगे, क्योंकि गाइस सब जगह पर जो भी गाड़ी के प्राइस है वो बढ़ चुके हैं। तो रिसेंटली एथर ने भी अपना 450S को इंट्रोड्यूस किया है, जिसका वीडियो कल मैंने अपने चैनल पर डाला भी है, बट अगेन रेंज एंड प्राइस की कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा है। तो ये जो सारे अपडेट है गाइस ओला के अंदर हो चुके हैं, जिस वजह से अब आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही मॉडल देखने मिलेंगे, जो कि हमारा ओला S1, उसके बाद में ओला S1 प्रो एंड ओला S1 एयर। और ओला S1 का जो 2 kWh का लिथियम आयरन बैटरी पैक है उसे भी शायद टोटली हटाने का प्लान चल रहा है, तो वहां पे भी आपको सिर्फ एक ही बैटरी पैक देखने मिलेगा, जो होगा हमारा 3 kW वाला लिथियम आयरन बैटरी पैक। तो ये कुछ चीजें थी गाइस, इस पे आपका क्या कहना है, ये पूरी चीजें इलेक्ट्रिक मार्केट में अभी चल रही है, ओला की जो न्यू लाइनअप है इसके बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये थे कुछ ओला के नए चेंजेस जो भी अभी आने वाले हैं, और इनके जो दो वेरिएंट है वो डिसकंटिन्यू हो चुके। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।